सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया था जम्मू कश्मीर के विशेषकर एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, और मैंने सोचा जब कुपवाड़ा आया हूँ तो मैं दो विभाग के मैं मंत्री हूँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों विभाग के मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों विभाग का जो भी काम हो रहा है उसका रिव्यू करूँ। उसी तरह से मैं कल कुपवाड़ा गया था और कुपवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग में मैंने भाग लिया। उनका साथ ही वहाँ हमारी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा दो चार प्रोग्राम रखे थे, जैसे कुपवाड़ा में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, ये बहुत दिन से काम चल रही थी, लेकिन जब मैंने कहा कि कुपवाड़ा में जा रहा हूँ तो उसकी बहुत जल्द उस ऑडिटोरियम का काम कंप्लीट हुआ। करीब 1 करोड़ रुपया की एक ऑडिटोरियम कुपवाड़ा में बनाया गया, उसका मैं कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ एक स्टील विलेज बनाया गया था जो आने जाने में असुविधा होती थी, एक छोटी सी नदी थी, मैं नदी का नाम नहीं बता सकता, उस नदी के उस पार करीब 7-8 गांव हैं, लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट होती थी, इसलिए एक स्टील ब्रिज बनाया गया। उस ब्रिज में करीब 6.5 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था, उसका भी मैं उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारी कुपवाड़ा में लोड शेडिंग होती है, पावर आती है जाती है, इसलिए एक पावर स्टेशन भी बनाया गया। उस पावर स्टेशन भी करीब लागत 5.5 करोड़ की थी, उसका भी मैंने कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को हमने वाहन दिया, गाड़ी, जिसको एक पैसा भी बैंक में देने की जरूरत नहीं है गारंटी के हिसाब से, और 2 लाख की सब्सिडी थी। इस तरह से कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को कल गाड़ी दिया गया। उसी तरह कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को लोन भी दिया गया, जिसमें 10 लाख तक लोन दिया गया है और 0% इंटरेस्ट में भी दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुपवाड़ा के जो अनएम्प्लॉय यूथ है वो अपना पैर पर खुद खड़ा हो, बिजनेस करे। इसलिए कल हम बहुत से लोगों को हम लोन की चेक भी कल हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह एग्जीबिशन लगाया गया था और एग्जीबिशन में देखा कि हमारी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी भारत सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत 90% कवरेज हो चुका है। 90% आप लोग मालूम है, आयुष्मान भारत कार्ड अगर किसी के पास है तो 5 लाख रुपया की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, वो भारत के कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, ऐसी व्यवस्था है आयुष्मान भारत कार्ड। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में करीब 90% कवरेज हो चुका है। ठीक उसी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। वहाँ देखा गया कि हमारी डीसी ने कहा कि हम करीब 800 अमृतसर बनाने के लिए सिद्धांत लिया गया है, क्योंकि अमृतसर भारत की प्रधानमंत्री की एक स्कीम है, और कहा गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 हमारी अमृत सरोवर बनाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा वहाँ कि वहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बताया करीब हम 800 हम अमृत सरोवर बनाएंगे। तो इस अमृत सरोवर में मछली पालन होगी और वहाँ जो अनएम्प्लॉय यूथ है उस एक एक अमृत सरोवर को देखेंगे, वहाँ मछली पालन भी करेंगे। इसी तरह से वहाँ कुपवाड़ा में मैंने देखा कि बहुत सी काम हो रही है। ठीक उसी तरह से मैंने सोचा कि अपनी 2 मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अपनी मंत्रालय के द्वारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको उजाला योजना के तहत मैंने कल सिलेंडर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, LPG कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह से हमारी लेबर मंत्रालय की तरफ से आप लोग मालूम है जो हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, तो वहाँ ई श्रम कार्ड भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो ई श्रम कार्ड है
आप लोग ज़्यादातर प्रचार करें, विशेषकर मीडिया भाइयों को कहना चाहता हूँ। और आप लोग भी बना सकते हैं कार्ड को, क्योंकि कार्ड बनाने के लिए 3 प्रमाण पत्र चाहिए। एक हो गया बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर और आधार कार्ड, जिसके पास है वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो उसी तरह से देखा गया कि ई श्रम कार्ड का भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ कार्ड बना रहे हैं। जो हमारी कॉमन सर्विस सेंटर है, वो कॉमन सर्विस सेंटर में कोई भी आदमी जाके कहते हैं कि मेरा पास एक ई श्रम कार्ड बनाना है, तो बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ई श्रम कार्ड उनको बना दिया जाएगा। और बनाने के बाद जो कॉमन सर्विस सेंटर है, हम दिल्ली से अपने मंत्रालय से एक अगर ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो हम उनको 20 रुपया देते हैं एक कार्ड बनाने में। लेकिन मैंने देखा है कि कोई कहते हैं कि अभी बना दो, कभी अपना तरफ से भी कोई पैसा दे देते हैं, बाद में हमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि उसने तो पैसा ले लिया। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ लोग पैसा दे के बनवा लेते हैं। लेकिन हमारा मंत्रालय से एक कार्ड बनाने में 20 रुपया हम देते हैं। तो इसी तरह से कुपवाड़ा में देखा, इस तरह से हम कार्ड बनाए थे। तो आज मैंने, आप लोग मालूम है कि हमारी जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिसका पीएफ जमा होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसको हम आईपी कहते हैं, जो इंश्योरेंस पर्सन, तो हमारी इंश्योरेंस पर्सन जम्मू में सिर्फ 50,000 है। और 50,000 होने के बावजूद हम एक यहाँ 100 बेड की एक हॉस्पिटल के काम शुरू किए हैं, जो जगह का नाम बड़गाम। तो उसको भी मैं आज गया था देखने के लिए, काम कितनी कंप्लीट हुई। कब वो हॉस्पिटल करीब 1,59,00,000 की हॉस्पिटल है, 160 करोड़ की है। और इसकी काम भी करीब 50% हो चुकी है और 2024 की जून तक कंप्लीट होना है। लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत पहले होने काम था, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और आईपी की संख्या भी बहुत कम है यहाँ। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू में हमारी जितनी भी वर्कर्स हैं, आईपी है, उसकी इलाज हो, अच्छी इलाज हो, इसलिए इस हॉस्पिटल को बनाया गया है और काम शुरू है और 2024 के जून तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोग से मिलने से पहले मैं अभी ई श्रम यहाँ भी इस जगह भी डीसी साहब मेरे साथ उपस्थित थे, ई श्रम का कार्ड भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और बाहर में हम बना भी रहे हैं। और उसी तरह से कुछ महिलाएं आए हुए थे, उनको हम उजाला योजना के तहत कुछ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू और कश्मीर में जितनी भी हमारी गरीब जो महिलाएं हैं उनको हमारी उजाला योजना के तहत सभी को एलपीजी कनेक्शन मिले। इस तरह से हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से हम काम कर रहे हैं और हमारी टारगेट है कि हम जम्मू कश्मीर में भी हमारे ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द पूरा हो जाए, जो हमारी टारगेट है। क्योंकि हम पूरा भारत में 38 करोड़ हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हम सिद्धांत लिए हैं, लेकिन अभी तक 30 करोड़ हम कार्ड बना चुके हैं। 30 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। हमारी भूपेंद्र यादव जी, हमारी कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हम जब 38 करोड़ हमारी जब कार्ड बन जाएगी ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड में हम सोच रहे हैं कि हमारी भारत सरकार की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कैसे हम जो ई श्रम कार्ड बनाए उनका साथ हम कैसे जोड़ें और कैसे उसको दे सकते हैं, इसका ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड तो हम असंगठित जो श्रमिक है जिसका हम कार्ड बना रहे हैं उनको हम देने के लिए अपना तरफ से अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है। शायद खूब जल्द 5,00,000 की हम आयुष्मान भारत कार्ड देने की हमारी तरफ से हम काम पूरा करेंगे। आप लोगों को तो मालूम होगा हम अभी नया 4 कोड ला रहे हैं और जल्दी कोड हम लागू भी करने वाले हैं। और चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम पूरा इंडिया में है और हम भी चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर के ऊपर हम सशक्त होना चाहिए, हम उसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर इस तरह से कोई चाइल्ड लेबर है, कोई अपना फैक्ट्री में
चाइल्ड लेबर रखे हुए हैं, तो आप लोगों को भी अगर पता है तो हमें अगर बताएं तो हम उसका ऊपर एक्शन लेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हमारी 100% कवरेज हो चुका है। जो हमारी जो 2011 की जो सेंसस है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 100% कवरेज हो चुका है, फिर भी छूट गए हैं। जो हमारी कहना है कि हमारी भारत का प्रधानमंत्री कहना है कि हम कोविड के समय बहुत ऐसी लेबर था जो उनके परिवार के देहांत हो गया था या उनकी नौकरी चली गई, कोई मुंबई में काम करता था जल्दी श्रीनगर आ गए, ऐसे भी बहुत सी गरीब महिलाएं हैं, तो हम उनको भी कैसे हम दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जिसके कारण से हमारी 100% कवरेज होने के बाद भी हमें अगर कोई अगर आवेदन करते हैं तो उसको हम देने की कोशिश करते हैं, जैसे आज दिया गया है। और आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हम 200 रुपया का सब्सिडी देते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन दूसरी जगह हम नहीं दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 200 रुपया की सब्सिडी नहीं है, दिल्ली में सब्सिडी नहीं है, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हम 200 रुपया की हम सब्सिडी गैस में दे रहे हैं।